नमस्कार। तो टिकटॉक यूजर ट्रोलों के लिए है एक बड़ी दुख की खबर। खबर हाँ बिल्कुल 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 सही सुना तुमने, एक बहुत बड़ी दुख की खबर है अगर तुम भी टिकटॉक यूज करते हो तो। क्यों पता है? क्योंकि भारत में हो सकता है टिकटॉक बैन। भारत हुआ पर टिकटॉक बंद हो ओटी गिरे। अरे लेकिन क्यों? तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा रीजन है टिकटॉक को बैन करने के लिए। तो बिना स्किप करके वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो फिर चलिए देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टिकटॉक इंडिया में बैन हो सकते हैं कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के चलते ही अभी पूरी दुनिया टेंशन में है, परेशान है। और ये वायरस के वजह से बहुत सारे देशों का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत डाउन में आ चुका है और बहुत सारा लोगों का मौत भी हो चुका है। अभी तक बहुत सारा लोगों का मौत हुआ है। इसी की वजह से पूरी दुनिया अभी चाइना के ऊपर गुस्सा है। सेम टू सेम हमारा इंडिया भी चाइना के ऊपर गुस्सा है। 24 घंटे के अंदर इंडिया में 50,000 से भी ज्यादा ट्वीट आ चुके हैं टिकटॉक को बैन करने के लिए। जिस देश ने हम सब लोगों का इतना नुकसान किया है, हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम को डाउन किया है, तो उन लोगों का सामान प्रोडक्ट्स हम यूज क्यों करें? उन लोगों को हम लोग रेवेन्यू क्यों दे? हम लोग ही तो रेवेन्यू दे रहे हैं ना, हम लोग ही उन लोगों को पावरफुल बनाया है कि नहीं। तो ये था पहला रीजन। আৰু মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে মোৰ এজন ভাল চিনাকি আত্মীয় এগৰাকী আছে, তেখেতৰ নাম হৈছে শাশ্বতী বৰদলৈ। তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ট্ৰেভেল উইথ শাশ্বতী ডি বুলি। তো তেওঁ অসমৰ পৰা হয়, ময়ো অসমৰ পৰা হয়, কিন্তু মই থাকো অসমতে আৰু তেওঁ কিন্তু অসমৰ পৰা হ'লেও তেওঁ থাকে সুদূৰ ইউৰোপত। কিন্তু ইউৰোপত থাকিলেও তেওঁ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে কষ্ট কৰি অসমীয়া ভাষাত ভাল ভাল ভিডিঅ' আগবঢ়ায়। তো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকৰ চেনেলটো ভিজিট কৰক। আমি তেওঁক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰাটো উচিত। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেলটো দবাই থৈ দিয়ক, এইটোতো ফ্ৰী আৰু আপোনালোকে জানে। তো এইখিনি আৰু, ধন্যবাদ। দুচৰা ৰিজন হে কি টিকটক যো হে এক চাইনিজ এপ্লিকেশ্যন হে, ইছক বনা থা চাইনা কা এক বাইটডান্স কম্পেনী নে। আৰু ইয়ে লোক কিয়া কৰতে হে, জিছ দেশ মে ইয়ে লোক কাম কৰতে হে উছ দেশ কা জিতনা ভি ইউজাৰ হতে হে উন সব ইউজাৰ কা জো ডেটা হে ও লোক চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্ট কে সাথ শ্বেয়াৰ কৰতে হে। ইয়ে টিকটক নে খুদ হি একসেপ্ট কিয়া হে, ইছলিয়ে পিছলে মহিনে আমেৰিকা নে एक बिल पास किया था जिसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय टिकटॉक एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। और उनका रिश्तेदार भी है, उनका अगर कोई रिश्तेदार भी है, उन लोग भी टिकटॉक एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोग सोच सकते हो कि टिकटॉक पर कितना खतरा है आप लोगों के लिए या किसी भी कंट्री का प्राइवेसी के लिए। इसलिए पिछले महीने अमेरिका ने एक बिल पास किया था जिसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय टिकटॉक एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते और उन लोगों का रिश्तेदार भी टिकटॉक एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोग सोच सकते हो कि टिकटॉक एप्लीकेशन आप लोगों के लिए या एक कंट्री के लिए या कंट्री का प्राइवेसी के लिए कितना खतरा है। तीसरा है, भारत से टिकटॉक को एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है और उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा टिकटॉक को जाता है। अभी आप लोग देख लीजिए, अभी भारत में पूरा लॉकडाउन चल रहा है। अभी 2020 मार्च 22 का फर्स्ट वीक में नॉर्मल डेज के हिसाब से टिकटॉक का इंस्टॉलेशन 20% बढ़ गया है। और मोबाइल और डेटा के एनालिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 49 मिलियन न्यू डाउनलोड्स एज पर मोबाइल और डाटा एनालिटिक्स। तो सोच लीजिए लोग टिकटॉक को कितना इंस्टॉल कर रहा है। तो चाइना को पावरफुल कौन बना रहा है? हम लोग ही तो पावरफुल बना रहे हैं ना। तो ये था तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न है, टिकटॉक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, अफवाह फैलाना या रिलीजन सपोर्ट करना। तो इन लोग इन टाइप्स के वीडियो को टिकटॉक बहुत ही प्रमोट करता है और आप लोग देखोगे तो इन वीडियोज में लाखों से लेके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और इनके ऊपर रिपोर्ट करने के बाद भी टिकटॉक कोई भी एक्शन नहीं लेता। अभी पूरी दुनिया पे कोरोना वायरस चल रहा है और इस टाइम हमारे देश में ऐसा लोग भी मौजूद है जो बोलता है कोरोना वायरस कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब बोल के कानून का धज्जिया उड़ा दे रहा है। और ये सारा कॉन्टेंट आपको टिकटॉक पर जरूर मिलेगा और इन सब वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज और शेयर्स। तो यही है मेन प्रॉब्लम, इन सब वीडियोज पर रिपोर्ट करने के बाद भी टिकटॉक कोई भी एक्शन नहीं लेता है। इसलिए पिछले साल मद्रास गवर्नमेंट ने टिकटॉक को सेक्सुअल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बैन करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उस टाइम टिकटॉक ने खुद को इतना सुधार लिया कि वो टिकटॉक को बैन करने से वो लोग बच गए। न्यूज़ के मुताबिक टिकटॉक ने भारत सरकार को 100 करोड़ रुपया और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि मास्क, वेंटिलेटर ये सब दे दिया है। अभी आप लोगों को मैंने अच्छा खराब दोनों ही बात बता दिया है। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि टिकटॉक को मोबाइल में रखेंगे या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं, आप लोग सोच लीजिए, सोच के एक कमेंट डाल देना नीचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।